हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों दांत दर्द में दर्द होना एक आम समस्या है और ये किसी को भी कहीं भी हो सकती है और इस परिस्थिति में हमें अवश्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए दोस्तों दांतों में ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए लेकिन अगर दांत में अचानक दर्द शुरू हो गया तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों दांतों में अचानक दर्द हो जाए तो कुछ घरेलू तरीकों से तुरंत आराम हो सकता है लेकिन दोस्तों कई बार तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि किसी भी काम को करने में मुश्किलें होती है दोस्तों दांतों के दर्द में हमें कहीं भी चैन नहीं मिलता है दोस्तों अगर कुछ भी खाते वक्त आपके दांतों में झंझनाहट जहन महसूस होती है तो समझ जाएं कि आपको इलाज की सख्त जरूरत है दोस्तों कई बार दांतों में दर्द केविटी के कारण होती है तो कई बार मसूड़ों के कमजोर होने की वजह से दांतों में दर्द होने लगता है दोस्तों अगर आपको दांतों में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो आप कुछ घरेलू तरीकों से दांत दर्द से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको थोड़ी सी फिटकरी लेना है और इस फिटकरी के पाउडर बना लें दोस्तों फिटकरी बहुत सी दवाइयों में काम भी आती है दोस्तों फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल के तत्व तो पाए जाते हैं अगर किसी के दांत में दर्द हो तो दर्द वाले दांत पर फिटकरी का पाउडर रुई की मदद से लगा दें तो कुछ ही देर में दांतों का दर्द दूर हो जाता है इसके साथ ही अगर आपको मुंह में बदबू आ रही है तो उसमें फिटकरी पानी से कूला करने से भी मुंह की बदबू चली जाती है दोस्तों अगर दांतों में झंझनाहट जहन हो रही है तो कूला करने से भी झंझनहट जहन तुरंत गायब हो जाता है दोस्तों फिटकरी के बाद आपको सरसों का तेल लेना है दोस्तों सरसों के तेल बैक्टीरिया को साफ करता है और मसूड़ों में भी खून आने से रोकता है दोस्तों दांतों को सूजन को भी कम करता है अब आपको सेंधा नमक लेना है दोस्तों सेंधा नमक में एंटी गुण और आयरन आयोडीन फास्फोरस पोटेशियम ऐसे और भी कई तत्व पाए जाते हैं दोस्तों हल्दी और सरसों का तेल में सूजन रोधी गुण होते हैं जिससे सूजन और खराब बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं दोस्तों अगर सिर्फ हल्दी पाउडर और सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर लगाते हैं तो ये एक तरह का प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह काम करता है दोस्तों मसूड़ों को मजबूत करने के साथ साथ मुंह की दुर्गंध को भी दूर करता है दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है दोस्तों एक चम्मच सरसों का तेल लेना है एक चौथाई चम्मच सेंधा नमक लेना है और आधा चम्मच हल्दी लेना है और इन तीनों को अच्छी तरह से मिला दें और पेस्ट बना लें दोस्तों रात में इस पेस्ट से ब्रश करें या दर्द वाले दांत में लगा दें जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा दोस्तों इस पेस्ट से आपके मसूड़े भी मजबूत बनेंगे दोस्तों अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दांतों का दर्द चला गया और आपके मसूड़े भी मजबूत हो गए हैं दोस्तों और जल्दी भी आपके दांत दर्द नहीं करने वाले हैं और आप डॉक्टरों के खर्च चक्कर से भी बच जाएंगे डॉक्टरों के खर्च से भी बच जाएंगे दोस्तों अगर आपको ये रेमेडी उपयोगी लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो